स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं बिच एक रिच के एपिसोड नंबर 6 को। ओके, तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि हाइन ने जेना को मार दिया था, ब्लड निकल गया था उसके और यहाँ से भाग गई थी। सब इसके पीछे पड़े हुए थे, इसे लड़के लड़कियां भाई कुत्ते की तरह खोज रहे होते। एक लड़की अगर इसको बचा लेती है, वही लड़की जो सुबह इससे टकराई थी। हाइन ने अपने शूज भी फेंक दिए होते तो लड़की इसको जूते पहनने को देती है और इनकी बातें होने लगती है। हाइन का मानना है कि ये इस लड़की से मिल चुकी है, इससे टकरा चुकी है, इसको देख चुकी है। देखो यार, मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा और जो मेरे मन में आता बताऊंगा। मेरे को लगता है कि मॉल में इससे लड़की टकराई थी ना, ये वही है। फिर ये लड़की जेना और उसके बदतमीज दोस्तों के बारे में इसको बताती है कि उनसे बच के रहना, बहुत बदतमीज है वो लोग। हाइन कहती है कि अरे ये सब अपने पिताजी के पैसे पर यहाँ आकर ये सब करते हैं। ये लड़की सियोन होती है, इसका नाम सियोन है, और ये लड़की पक्का मुझे ना लफड़ेबाज लगती है क्योंकि स्माइल करती है क्रीपी सी हाइन के जाने के बाद। लड़कियां बाहर भूखे जोंबी की तरह हाइन को खोज रही होती है। हाइन डायन को मैसेज करके बुलाती है, कहती है मुझे बचा लो, तूने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बचाओगे। पूरे स्कूल में से खोजा जा रहा होता है और पकड़ी गई। अब यहाँ पे जो वार्तालाप होता है उस पर ध्यान देना। अब इसको पकड़ लेते हैं ना तो इसको चूहिया कह के बुलाते हैं, कि चूहिया ऐसे ही भागा करती है। ये इनकी वीडियो बनाने लगती है, कहती स्कूल पुलिस हो तुम, सबको वायरल कर दूंगी, एंटी पुलिस पुलिस को दे दूंगी, क्रिमिनल में रिकॉर्ड आ जाएगा तुम लोगों का, फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोरिया में बहुत मायने रखती है ये चीज़। अब सब इसमें हंसने लग जाते कि है तेरे जैसे गरीबों के होते होंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड, हम अमीर लोग हैं, हमारे नहीं होते हैं। हाइन भाई अब करे तो करेगा, इसके पास आने लगते हैं सबको पीटने के लिए। ये फ्लोर से कूद जाती है बिना कुछ सोचे समझे और नीचे जाकर डायन पे गिरती है। अब जैसे तैसे की जान तो बच गई और ये सब खबर क्रिमिनल्स जेना को दे देते हैं। जेना क्वीन बहुत गुस्सा, जान से मार देगी उसको। और जेना याद करती है कि कैसे उस रात दूसरी हाइन के साथ ये छत पर खड़ी थी। अब देखो मेरे को क्या लगता है यहाँ पर कि इसी ने साथ हो सकता है इसको धक्का मार के गिराया है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, कोई इंसान अगर देख रहा होगा ना बैठ के शो को तो वैसे ही समझ जाएगा वो, ठीक है स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं मैं। अब इसका जो ड्राइवर होता है ना रूट चेंज करके इसके फैमिली डिनर पर लेकर जाता है इसको। यहाँ फैमिली में इसके पिताजी होते हैं, इसकी टीचर आई होती है, मोम नहीं आई हुई है। पूछते मोम कहाँ है, पिताजी कहते अरे खाओ तुम मजा आएगा, छोड़ो उन्हें। जेना इन्हें जलील करती है, खूब जलील करती है, सही से रख के जलील करती है। और इधर डायन हाइन का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, ये बताता है कि मैं डायरेक्टर का लड़का हूँ, बहुत अमीर हूँ। ये सुन के हाइन को एक बात याद आती है, बचपन में ये और इसकी फ्रेंड ड्राइंग बना रही थी, इसने बहुत सारे पैसे बनाए थे क्योंकि इसको अमीर बनना था, पैसे कमाने थे। और इसकी फ्रेंड को सिंड्रेला बनना था, एक प्रिंसेस शादी करनी थी, दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। हाइन यहाँ एक अच्छी बात कहती है कि उससे शादी करोगी तो उसके लिए खाना बनाना होगा, घर और कपड़े साफ करने पड़ेंगे उसके, पर अगर तुम अमीर बनती हो तो तुम्हारे मन में जो आएगा ना तुम वो खा सकती हो, वो कर सकती हो। लड़की इनोसेंट होती है, कहती है तो क्या हुआ। और फिर हाइन हमें बताती है कि आज मैं 18 साल की हो गई हूँ और आज मुझे होश आया, पता चला, दिमाग आया कि अगर मैं एक प्रिंस से शादी करती हूँ तो वह तो ऑटोमेटिक अमीर हो जाऊंगी ना, है ना, तो बस हो गया काम मेरा, दोनों मिल सकते हैं मेरे को। और फिर क्या, आप कहती है मुझे भी सिंड्रेला बनना है और रोमांटिक नजरों से देखने लग जाती है डायन को। ये कहता है कि हाइन को किसने मारा था उस दिन छत से गिराकर। अभी भागने लगती है तो इसका हाथ पकड़ लेता है और सीन इधर कट होता है और आता है अगले दिन, जहां पर डायन इसे अपने साथ स्कूल लाया हुआ होता है हाथ पकड़कर। सारे देखकर भाई शौक द क्रिमिनल्स के होश उड़े पड़े, पैंट गीली हो जाती सबकी। वो दोनों जो पर्सनल रूम में पढ़ाई करने आते हैं ना लिप से लिप लड़ा के, उनके भी होश उड़े हुए। जिना भी हैरान है और आज इसे कोई भी बुली नहीं कर रहा होता, तभी इसके पास तीन लड़कियां आती है। अच्छा, अगर मैं इन लड़कियों के बारे में बता दूं तो ये सबको जज करने का काम करते हैं उनके अमीरी गरीबी के हिसाब से, और जो गरीब होते हैं उनको इंसल्ट करना इनका काम होता है, खड़े होकर मुंह बना बना के। बड़ी गुस्सा आता है देख के। और आज कंफर्म करने आई होती है कि डायन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरा स्कूल डायन को ना डायमंड बॉय के नाम से जानता है क्योंकि वो रिच है और हैंडसम है, एक डायमंड की तरह परफेक्ट है, तो लड़कियों का ड्रीम बॉय जैसा होता है वो। लड़कियां इसे जलील करती हैं कि गरीब है तू, पर होती बहुत डर्प हो गई है तीनों, बस मुंह से जहर उगलती रहती है। और यहाँ से हमें कल छत वाला सीन दिखाया जाता है। हाइन से डायन ने कहा था कि बता दो किसने मारा है उसको, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। ये कहती है बता दूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा, तुम मुझे पुलिस से बचा लोगे, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, मतलब पूरा डेट करना होगा स्कूल में सबके सामने, मैं तुम्हें बता दूंगी। फेक रिलेशनशिप के लिए मान गया होता है और तभी आज ये बन के घूम रहे दोनों। और यहाँ वो दोनों रूम स्टडी कपल भी हैरान होते हैं, डायन उसे कैसे डेट कर सकता है। लड़का जो होता है ना ये कहता है कि अरे वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है। और जो यूलियो होती है इसकी गर्लफ्रेंड, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह। यहाँ हाइन को ली मिलता है और पूछता है कि कल तुमने जेना को पीट दिया, आज तुम डायन को डेट कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, दो दिन हुए तुम्हें भी आए हुए, क्या चल रहा है सब। और ये जाने लगती है बिना कुछ बोले। क्लास में आती है तो क्यूट क्यूट सी तीन लड़कियां इसको मिलती है जिससे दोस्ती करना चाहती है, फ्रेंडशिप करनी है लोगों को। देखो कहती है कि हम उन बुली जैसे बिल्कुल नहीं है, वो बैठे देखो गोरिल्ला जैसे, ओए गोरिल्ले, बॉडी शेमिंग करती क्योंकि वो लड़का जो है फैट होता है।
पर हायुन को इससे दोस्ती नहीं करनी होती है। ये लड़कियां उनमें से है जिन्हें किसी की लव स्टोरी जानने का बहुत ज्यादा शौक होता है। पूछती है कि बताओ ना कैसे कैसे तुमने उसको प्रपोज किया, उसने तुम्हें प्रपोज किया, एक दिन में कैसे किसी को सच्चा प्यार हो सकता, बताओ ना। और कहती है कि हमें भी कोई टिप्स दे दो ना कि एक डायमंड बॉय को कैसे सिड्यूस किया जाता है, कि कैसी गंदी बातें करती हैं ये लड़कियां। हायुन कहती है कि कम बोला करो, यही एक तरीका है। लड़कियां इसे फ्राइडे पार्टी में बुलाती है, जिसको सोरोरिटी पार्टी कह के कुछ बुलाया जाता पता नहीं, बस लड़कियां आती हैं जहां पर, और जो कि बहुत अमीर होती है, प्राइवेट सोसाइटी के स्टूडेंट आते हैं भाई वहां पर, पता नहीं भाई प्राइवेट सोसाइटी किसको कहते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है। खैर तुम जैसों का आना तो वह सपना होता होगा गरीब, और ना तुम तो अब डायमंड बॉय डायमंड की गर्लफ्रेंड ना, तो तुम वहां पर आ सकती हो, तुम्हारी भी इज्जत बन गई है कुछ। और ये जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है शाम को शॉप में, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, पर हायुन दुखी है, इसके पास कपड़े नहीं होते ना सुंदर वाले पहनने के लिए, क्योंकि वहां तो सब अमीर लोग आएंगे। तो ये लोग पहुंच जाती है नायन के पास। देखो भाई नायन को देख के मेरे को हंसी आ जाती है, बड़ी फनी होती है। कहती है कि ओके ओके मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी, पर मुझे वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो जाना तो इसको भी होता है, बट ये स्कूल में नहीं पढ़ती ना तो इसको एंट्री नहीं मिलेगी। कहती है कि ध्यान रखना मेरी ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। हायुन की दोस्त भी इसकी तारीफ कर देती है, तुम स्मार्ट किड हो, अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, हम देखो हम गरीब लोग हैं पढ़ ही नहीं पाते कुछ। और नायन शर्माने लगती है, थोड़ी तारीफ कर दो तो हवा में उड़ गए। हायुन इसे ड्रेस के बदले में कुछ पैसे भी देती है, कहती है अरे रखो रखो पैसे, तुम्हें पता $1000 की ड्रेस है, ऑलमोस्ट 80,000 की ड्रेस होती है वो। तो इसके सामने शर्त रखती है कि ड्रेस को ना कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब उसमें दाग लगे ना, फटे वटे कुछ भी नहीं। इसकी फ्रेंड इसको छोड़ने आई होती है और मोटिवेट करती है कि अरे कितनी सुंदर हो तुम। पर हायुन घबराई हुई है, इतने अमीर लोगों के बीच जा रही होगी पहली बार, क्या होगा इसका, ऐसी जगह जाने में इसको डर तो लगेगा ही लगेगा। इसको होश उड़े, जब अंदर आती है तो और उड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ आई होती है, अलग ही माहौल होता है और सब बहुत अमीर होती है। एक बदतमीज लड़की मुंह बना बना के आगे इसके टकरा कर इसको गिरा देती है। ड्रेस तो जैसे कैसे करके ये बचा लेती है और कहती है कि अरे इसमें कहाँ आ गई तुम, इसकी इंसल्ट भी कर देती है। फिर कहती है अरे तुम तो डायन की गर्लफ्रेंड हो ना, फिर इसका हाथ पकड़ कर इसको उठाने की कोशिश करती है। और फिर होती है एंट्री जेना क्वीन की, जो कि भाई लड़कियों की ना लीडर होती है, क्वीन होती है ये, ठीक है। तो सब इसको लड़कियाँ देखे साइड हट जाती हैं और ये लड़की वापस से हाथ छोड़कर हायुन को गिरा देती है, जिससे पूरी ड्रेस उसकी गंदी हो जाती है, उस पर वाइन गिर जाती है। और अब तो भाई 80,000 देने पड़ेंगे इसको नायन को, नायन पता नहीं इसका क्या करेगी। एक्चुअल में सब ट्रैप था, ये ना जाल बनाया था जेना ने इसको फंसाने के लिए, और ये फंस गई है यहाँ पर, इसको नहीं आना चाहिए था। अब आगे क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता है, अब एपिसोड रिलीज होता है तो हम उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, सबने इसको घेर लिया था और इसके साथ मेरे को नहीं पता ये क्या करेंगे यहाँ पर। अगला जो एपिसोड है ना वो अगले वीक रिलीज होगा, तो हम उसको अगले वीक देखेंगे। तो कमेंट में प्लीज उल्टा सीधा मत बोलना कि कर दो कर दो कर दो कर दो, आएगा जब मैं कर दूंगा, ओके। तो या सब्सक्राइब कर दो उसको देखने के लिए, वरना नहीं देख पाओगे, मिलेगी नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।